पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जहां मुरादाबाद के विस्तार की रूपरेखा को तैयार किया जा रहा है, तो वहीं मुरादाबाद की जनता के लिए खूबसूरत पार्कों का निर्माण भी कराया जा रहा है। अगर हम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की कांट रोड पर बसाई गई आवासीय योजना आशियाना योजना की बात करें, तो आशियाना कॉलोनी मुरादाबाद की पहचान को और बुलंदी पर पहुंचा रही है। प्राधिकरण द्वारा इस आशियाना कॉलोनी में बनाया गया अम्बेडकर पार्क मुरादाबाद की खूबसूरती को चार चांद लगाने जा रहा है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार का कहना है कि मुरादाबाद की आवाम के लिए आम के बागान खूबसूरत पार्क का लुक दिया जा रहा है। इस खूबसूरत पार्क में जहां युवाओं के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी का निर्माण उनके द्वारा कराया जा रहा है, तो वहीं बच्चों के लिए खेल खिलौने के साथ बुजुर्गों के लिए यहां कई तरह के उपकरण लगाए जा रहे हैं। आम के इस बागान में छोटी छोटी हट भी बनाई जाएंगी, जहां पर महानगर के लोग आराम भी कर सकेंगे। मुरादाबाद का ये अम्बेडकर पार्क आने वाले दिनों में मुरादाबाद की जनता के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। प्राधिकरण का यही प्रयास है कि मुरादाबाद के विकास को तेज किया जाए, तो वही मुरादाबाद के विस्तार को भी और तेज किया जाए। देखिए, मुरादाबाद का जो हमारा आशियाना योजना है, वहाँ पर एक हमारा जो है अम्बेडकर पार्क नाम से एक हमारे पास एरिया उपलब्ध था, जहाँ पर आम के जो है बहुत अच्छे पेड़ भी थे और साथ साथ जो है उसका उपयोग मोस्टली आम के बगीचे के रूप में हो रहा था। तो हम लोगों ने जन सुविधाओं को विकसित करने के दृष्टिकोण से और ये कि उसको जन उपयोगी बनाया जाए, उस दृष्टिकोण से हमने उस पार्क को डेवलप किया है और बहुत ही सुंदर नेचर पार्क निकल करके आ रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं रहेंगी। वहाँ पर पुराना अम्बेडकर का स्मारक है वो भी है, साथ साथ उसके एक योगा के लिए बहुत बड़ा एक विस्टा बनाया गया है, साथ साथ वहाँ पर एक म्यूजिकल फाउंटेन की व्यवस्था की गई है, ओपन एयर थिएटर है, साथ में जो है बच्चों के लिए किड्स जोन और लाइब्रेरी भी जो है भविष्य में खुलने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। वहाँ पर ओपन एयर जिम होगा, साथ ही साथ जो है बच्चों के खेलने के झूले और चारों तरफ जो है वॉकिंग ट्रैक और जॉगिंग ट्रैक की व्यवस्था की गई है और विभिन्न स्थलों पर जो है पियाज़ा और इसके साथ में जो है फूड कियोस्क की स्थापना भी की है। सामुदायिक सुविधाएं भी वहाँ पर सभी प्रकार की हैं, जिससे कि किसी व्यक्ति को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहर न जाना पड़े। और ऑलरेडी जो है एक लगभग 80% कार्य हो चुका है और सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचना शुरू कर दिए हैं। मैं जनसाधारण से अपील करूँगा कि आप भी जो है एक बार जा करके उसका अवलोकन करें, आपके कोई सुझाव हैं वो भी जो है आप हम तक पहुँचाएँ, जिससे कि हम जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रतिबद्धता है कि अच्छी जन सुविधाएँ जनता तक पहुँचाएँ, उस पर हम लोग आगे काम कर सकें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।